न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है। साथियों, आप सभी रूस में भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जो यहां मिशन में बैठते हैं ना, वो राजदूत है और जो मिशन के बाहर है ना, वो राष्ट्रदूत है। आप ऐसे ही रूस और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाते रहे। साथियों, 60 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान, सारे कैमरा मोदी पर लगे रहे। उसके कारण कई और महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे इस चुनाव के समय चार राज्यों में भी चुनाव हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा, और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। और अभी अभी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। जय जगन्नाथ। उड़ीसा ने तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है और इसलिए मैं भी आज आपके बीच में उड़िया स्कार्फ पहन के आया हूं। साथियों, आप सब पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे। आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये अमर प्रेम की कहानी है दोस्तों।